ओम साई राम। मैं पूनम सहरसा बिहार से बोल रही हूँ। आओ साई चैनल की तरफ से एक प्यारा सा बाबा का चमत्कार आप सबके सामने पेश कर रही हूँ। आप सब दया आप सब से कृपया करती हूँ कि आप सब जरूर इसको गौर से सुनना। बहुत ही ज़्यादा द्वारका माई में हुआ था, बाबा ने ये चमत्कार दिखाया था सभी को, तो आप सब इसको जरूर से सुनना ध्यान से। और आप सब कैसे हो साईं भक्तों? मुझे पता है बाबा की दया से, ईश्वर की दया से आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो मैं ये चमत्कार आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाबा का तो वह ऐसे बहुत ही चमत्कार है, बाबा ने बहुत ही प्यार सम्मान सबको दिया है। तो ये छोटा सा चमत्कार है जो शिरडी में बाबा ने एक के साथ ऐसा हुआ था, तो मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब बाबा जीवित थे तब की ये साईं सचलित में लिखी हुई है, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि बाबा की हर कथाओं में बहुत ही अच्छा लगता है सुनने के बाद। साईं बाबा एक दिन अपने भक्त के साथ द्वारका माई में बैठे हुए थे। एक छिपकली की आवाज़ चिक चिक करने की आने लगती है। द्वारका माई में बाबा बैठे हुए थे सबके साथ और ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो एक भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा क्या छिपकली की चिकचिकाने की आवाज़ का कोई मतलब होता है? तब बाबा ने हंसते हुए कहा कि छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से आने वाली है, इसीलिए ये बहुत खुश है। इसीलिए वो बहुत ही खुश थी उस दिन, इसलिए बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, चिकचिक कर रही थी। मगर उस भक्त को बाबा की बातें समझ में ही नहीं आई कि बाबा ये क्या बोल रहे हैं। थोड़े समय बाद जब वो भक्त बैठा हुआ था बाबा के पास, तो औरंगाबाद से घोड़ा गाड़ी में एक भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए आया वहाँ पे। जैसे ही बाबा के दर्शन करने के बाद वो जब घोड़ा गाड़ी में बैठ गया जाने के लिए, तो उसका घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ रहा था। वो घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। तब उस आदमी ने घोड़े से उतर करके उस एक ठो थैली निकाली और उस थैले में चने थी। चने के लिए जब वो थैली झड़काया गया तो उसमें से बहुत बड़ी सारी छिपकली निकली। जैसे ही छिपकली नीचे गिरी तो वो देखते ही देखते दीवार पे चढ़ गई, और जहाँ वो दूसरी पहले से ही छिपकली थी वही छिपकली जा करके वहाँ पे चली गई, और दोनों ही चिक 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 करने लगी, पूरे दीवार में घूमने लगी। पूरे दीवार में घूमते घूमते जब दीवार पे चारों बगल खेलने लगी वो दोनों छिपकली मिल मिल के खेलने लगी, खूब चिक 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 करने लगी। जो भक्त ने ये सवाल पूछा था वो वहाँ देखता ही रह गया, और वहाँ जितने भी भक्त थे वो सब आश्चर्य करने लगे और बहुत ही आश्चर्य से देखने लगी वो दोनों छिपकली की दीवार में इतनी खेल रही है। बाबा की बातें सच्ची हो गई कि बाबा ने इतनी सुंदर लीलाएँ की और उन्होंने समझाया। द्वारका माई में ये कहाँ कहाँ तक बातें फैल गई और लोग दौड़ दौड़ के बाबा के यहाँ दर्शन करने आने लगे कि अरे क्या मतलब छिपकली की जो कहानी देखने के लिए बाबा कहाँ कहाँ से लोग आने लगे देखने के लिए। तो बाबा ऐसे ही लीला बहुत सारे किए थे द्वारका माई और शिरडी में। बाबा की लीलाएं सुन करके बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही बाबा की बहुत सारी लीलाएं जो मैं आप सबके साथ शेयर करते रहूँगी, ये साईं सचलित में लिखा हुआ बाबा का। तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएंगे। ओम साई राम, जय साई राम।